सिलेक्ट हो गई चाचा जी इंडियन टीम में। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी क्रिकेट फिल्म से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फिल्म से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपना और फर्श के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को तो देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इससे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जाह्नवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं कि उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों को पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं।
फिल्म में राजकुमार राव और रणबीर कपूर लीड रोल में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत ही खास रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमोद मिश्रा, जरीना बहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेज माही 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी, क्रिकेट फील्ड से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फील्ड से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में है। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपनों और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को देखें तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इसे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों का पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ करता नजर आ रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है, वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल्स में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत खास रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जानवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कहानी 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाई। जानिए जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तस्वीरें पिछले एक साल से खबरों में बनी हुई है। अब मेकर्स ने आज ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो निराश नहीं करेगा। फिल्म के पोस्टर से ये अंदाजा तो लग गया होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन जबरदस्त ट्रेलर देखने के बाद आपका थिएटर जाना पक्का है। इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा और खूब सारा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। मिस्टर एंड मिसेज माही के करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआत जानवी और राजकुमार की मुलाकात और इनकी लव स्टोरी से होती है। दोनों का नाम माही है, इसलिए फिल्म की कहानी मिस्टर एंड मिसेज माही की लाइफ पर बेस्ड है। कहानी में पिता की दुकान संभालने वाला माही है और दूसरी तरफ इंग्लिश किताबों का शौक रखने वाली माही। दोनों की शादी होती और फिर पता चलता है कि क्रिकेट के शौक के बारे में, लेकिन मेल माही के पिता उसका सपना तोड़ देते हैं। ऐसे में यह जन्म होता है सूर्यवंशी के हीरा ठाकुर का, मतलब राजकुमार का किरदार माही अपनी पत्नी माही को क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट, सस्पेंस और स्पाइल होने थे वे ट्रेलर में ही दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ 3 घंटे थिएटर में बैठा जा सकता है। इस ट्रेलर में जानवी कपूर के लुक और किदर को देखकर आपको वरुण धवन के साथ उनकी फिल्म बवाल का जरूर ख्याल आएगा। वही राजकुमार का किरदार इम्प्रेसिव है। इस रोल के लिए दोनों एक्टर्स ने खूब क्रिकेट खेला है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है, जो इससे पहले जानवी के साथ गुंजन सक्सेना बना चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 31 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है। सीने के पास फोन ले आगे। सर्वरी या मैं इकडे बघा, समोर सेंटर ला, एकदम समोर बघा इकडे, सर्वरी मैम इथे सेंटर ला बघा, सर्वरी मैम यहां पे, सर्वरी एकदा इकडे समोर। थैंक यू। वेट बेटा, वेट कशात मॅडम? इथे बघा समोर, इकडे मॅडम। थैंक यू। इथे पण बघा। थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू बाय 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 इधर राइटला बघा ना राइटला राइटला इथे इथे राईटला बघा ना राईटला बाय बाय परत परत एकदा राईट ओके सो शाइनी सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे अलियस करके यू नो पॉडकास्ट पर आए हो क्या कहना चाहेंगे कितनी चिटचैट हुई और अनसेंसर्ड बात हुई है बीइंग चैटी बडी यू नो फ्रेंड सो इट वाज अ फन सेगमेंट एंड बहुत ही मजा आया ये पॉडकास्ट शूट करने में मैंने एक्चुअली जब मुझे बख्तियार ने कॉल किया था समझाने के लिए कि हम करने क्या वाले हैं ही वाज साउंडिंग एज इफ पता नहीं हमें क्या क्या बोलना है सेंसर्ड बातें करनी है और मैं परी को कह रही हूँ कि कैसे करूँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है एंड प्रणीता वाज लाइक यू नो जस्ट बी योरसेल्फ शाइनी व्हाटएवर यू आर एंड आई थिंक दैट वर्क्स द बेस्ट एंड शो का नाम है चड्डी बड्डी और शो पर मैं अपने चड्डी बड्डी के साथ आई हुई हूँ सो इट वॉज फन मजा आया वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे शाइनी क्या कुछ यू नो पाइपलाइन में है और अगर यू नो अभी आजकल हम देख रहे हैं सारे सेलेब्स अपना अपना पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं विद नए न्यू कॉन्सेप्ट करेक्ट आपको अगर चालू करना हो विद न्यू कॉन्सेप्ट व्हाट इज दैट With a new concept, yes. I'm still falling weak at that. See, you know, doing ये जो लोग करते हैं ना podcast ये भी मतलब आसान नहीं है बहुत मेहनत है और फिलहाल मुझसे इतनी मेहनत हो नहीं रही है But yeah, maybe there'll be a comeback very soon, hoping. Okay, so that is on television or web show anything? TV. Oh wow, okay. So क्या कुछ नए किरदार के साथ आओगी या you know जैसे धरा थी वैसे ही किरदार है या that is something I can't reveal anything right now. Let but it any come. But any of your dream role? See, for me to play a grey shade on screen would be amazing. But you know it has to be वो जो television में बिल्कुल bam बना देते हैं ना वैसा वाला नहीं. It has to be like a very smart grey shade where she's positive also and she's like negative also and something which is a very thrill story something that I've not done before well shiny ji ke sath sath you know pandya sir offer ho gaya hai you know abhi last day tha shoot ka what you have to say kitna you know apne story follow kiya ya rohit se baat hui priyanshu se baat hui kya kehna chahiye I have not I just met them once on set uske baad to meri kabhi baat nahi hui but you know it was a great run 3.5 years I mean the leap ke baad the team shot for 9 months right but we did that show for 2.5 years more than that in fact so hum itne zyada jude hue the aur jab main un sari team members ka last day jab mere feed mein pop up ho raha tha there were fans tagging us mujhe mera last day yaad aa raha tha pandya store ke set pe and it was heartbreaking because ये ना जिंदगी में एक या दो बार ही ऐसे शोज आपकी लाइफ में आते हैं और जो आपकी पूरी जिंदगी के लिए आपके साथ छप जाते हैं सो पांड्या स्टोर वाज वन ऑफ दोस शोज फॉर मी यस यू नो आपके फैंस भी है जो अब तक का आपको मिस करते हैं एज धारा और आपके जाने के बाद कितना कुछ यू नो आपको डीएम्स आए कि यू शुड कम बैक एवरी डे आज की तारीख में भी आई गेट डीएम्स दैट वी मिस यू इन पांड्या स्टोर एंड पांड्या स्टोर जब ऑफर जा रहा था तभी भी that we missed all of you but sab kitne sare log mujhe bolte hain ki dhara you aap leap ke baad specially for people for audiences to accept the new generation and the new characters was little difficult there were so many fans across the world who used to message me and say that dhara hum aapko padhya store mein bahut miss kar rahe so that was like love you know अच्छा लगता है कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद कर रहे हैं यस पांड्या स्टोर सीजन 1 की अगर मैं बात करूं कास्ट को हम गेट टुगेदर कब देख सकते हैं सब बिजी हो गए यार सभी बिजी चल रहे हैं कुछ ना कुछ काम में बट हाँ मैं सिमरन से मिल लेती हूँ कई बार अक्षय और मोहित मिल जाते हैं अक्षय और मोहित को भी काफी टाइम से नहीं मिली हूँ एक्चुअली कवर इज बिजी शूट है एंड एलिस से मेरी बात बहुत टाइम पहले हुई थी आई थिंक दो तीन महीने पहले हुई थी दो महीने बट हम इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को हाई हेलो करते रहते हैं शाइनी लास्ट जाते जाते ये जानना चाहेंगे बिग बॉस ओटीटी आ रहा है एंड आप बिग बॉस की फैन भी हो सो क्या इस बार ओटीटी में आपको देख सकते हैं प्लीज मुझे बिग बॉस वालों कास्ट कर लो ये सब बहुत बिग बॉस बोल रहे हैं विल यू टेक मी इन बिग बॉस व्हाट डू यू थिंक आप बिग बॉस मटेरियल हो या नहीं हो
यार वो तो जाके ही पता चलेगा, मैं पहले से ही क्यों बता दूं कि मैं मटेरियल नहीं हूँ। व्हाई? मटेरियल है, शी इज़ अ बिग बॉस मटेरियल। ओह वाओ, मतलब माय बेस्ट लाइक आफ्टर यू वॉच दिस चड्डी बड्डी ऑल्सो ना आपको समझ आएगा वॉट वी आर टॉकिंग बिकॉज दिस इज अ वेरी ऑफ बीट वाइब वाली बात है ना कि सबने इसको एक बिल्कुल सती सावित्री क्यूट सी बहू के रोल में देखा है सो फ्रॉम दैट इट्स गोना बी अ ट्विस्ट अहेड राइट। बहुत लड़ाकू हूँ मैं वैसे बट मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, जब आता है तो एक्सट्रीम होता है फिर कोई नहीं बचता आगे फिर सब तहस नहस हो जाता है। दैट मींस घर की बहू जो हम देखते हैं पार्वती बनी पू यस क्लास में पू बनी हुई हूं या एब्सोल्युटली बिग बॉस ओटीटी कम्स देन शी बेटर Yes, but behind you know this, you are poo only. I'm poo, no? Yes, Diva. Thank you guys. I have such good energies around me today. So lastly, जाते जाते fans and viewers को क्या? Thank you guys. Thank you. मैं seriously चाहती हूँ कि आप ये हमारा चड्डी बड्डी शो देखिए. Please, बख्तियार और अली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सारी celebrities को बुला के ज़्यादा मेहनत in the sense उनसे reality निकलवाने में. हमारे साथ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उनको, हम रियल ही थे जैसे हम अपनी जिंदगी में है। बट प्लीज वॉच आर सेगमेंट एंड मैं सारे फैंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट आपको शायरी और प्रणीता पंडित जैसे कभी नहीं देखे होंगे वैसे देखने को मिलेंगे। सो वॉच आस एंड प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर एनी वर्स्ट एंड द लेमेस्ट जोक्स। So first of all, so good to see you, Smiley जी। Thank you। कैसी हो आप? काफी अर्जी के बाद, काफी टाइम के बाद आपको इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है आपके साथ। क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत कुछ कहना चाहूँगी और बहुत मिस किया मैंने ये सब, पर मैं ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही थी, मैं एक्टिंग कर रही थी, प्ले कर रही थी एक साल के लिए घट घट में पंछी बोलता है, कलयुग के बाद क्रूक आई, फिर उसमें स्पेशल अपियरेंस था, ऐसे छोटे मोटे काम, एक प्ले डबल ट्रबल कॉमेडी मैंने किया था, फिर मैंने टीवी किया था, नच बलिए किया था अपने एक हस्बैंड के साथ, और जोधा अकबर किया था शादी से पहले। बट यू नो चीज़ें इतनी बदली हैं हमारे टाइम पे, तो वो टाइम पे ना रील्स होती थी ना इंस्टाग्राम ना कुछ, तो कलयुग तो मतलब बहुत ऑर्गेनिकली चल गई थी, और आई फील अच्छा रोल मिल जाए ना तो वो काफ़ी होता है, और तब मुझे मालूम नहीं था अपने आप को मार्केट कैसे करूँ क्या करूँ। इस वक्त टचवुड बहुत कुछ हो रहा है और हाउस ऑफ लाइज रिलीज हो रही है तो आई एम वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल, अब हाल ही में आप जल्द ही लोगों को फिर देखने वाली हो ओटीटी पे। हाँ जी, क्या कुछ बताना चाहोगी उस सीरीज के बारे में, मूवी के बारे में? हाँ जी, एक्चुअली हमने अलीबाग में शूटिंग की थी, 15-20 दिन में फिल्म रैप अप की थी। यंग डायरेक्टर हैं सौमित्र और बहुत ही मतलब संजय जी थे, संजय कपूर, फिर ऋतुराज जी थे, उनसे सीखने को बहुत मिला, बहुत यंग टीम थी, और मुझे तो मज़ा आया क्योंकि पता है यार पहले जब कैमरा प्ले होता था ना एक साउंड होता था, वो नहीं था, कैमराज अलग थे, और एक एड फिल्म मेकर हैं और फिल्म मेकर है ईशान शर्मा, उन्होंने कैमरा वर्क किया, तो बहुत मज़ा आता था देखने को कि इतना नया सब हो गया ना, अभी एक्टिंग बहुत नॉर्मल है, जैसे बहुत हम जब काम करते हैं तो एक्टिंग नहीं कर रहे हम लोग, मतलब बहुत नॉर्मल हो गया, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं उस तरह से चीज़ें होती थी, तो बहुत अच्छा लगा। तो आपका क्या कहना है इस पर कि कहीं ना कहीं ये OTT की वजह से हुआ? हाँ जी, ये OTT की का वरदान है एंड आई फील OTT इज़ द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग, और अगर आप सबको देखते हो, राधिका आप्टे और इन सब को, नेटफ्लिक्स देखते हो आप, प्राइम देखते हो, तो आप जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो बहुत नॉर्मल है, और जो टॉपिक्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं, हम उन चीज़ों के साथ खेल सकते हैं जो आई थिंक सिनेमा बहुत चेंज हुआ है, जो पहले नहीं कर सकते थे, कुछ ऐसे मुद्दे भी उठा सकते हैं जो पहले नहीं उठाए जा सकते थे। हाउस ऑफ लाइव्स इसके बारे में किस तरह का कॉन्सेप्ट है ये? बस ये एक रात की कहानी है, ऋतुराज जी जैसे आप देखते हैं उनका मर्डर हो जाता है,
और फिर संजय कपूर जी और उनकी टीम आती है घर के सब सदस्यों को इंटरव्यू करके पता करने के लिए कि किसने मर्डर किया, और बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज़ हुआ है कि पैसे कैसे गायब होते हैं। तो बस एक रात की कहानी है, सिंपल सी, और पता चलता है कि क्या होता है। संजय जी की वाइफ का किरदार निभा रही हो आप? नहीं, मैं संजय जी की वाइफ नहीं, ऋतुराज जी की छोटी वाइफ। ओके। जो उनकी दो वाइफ्स हैं और मैं दूसरी वाइफ हूँ। और एक्चुअली मेरे उनके सीन्स बहुत कम थे क्योंकि उनके सोलो सीन्स बहुत थे, हाँ, संजय जी के साथ। और हर सीन में बिगनिंग से सब किरदार थे क्योंकि सबका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, सब एक रूम में है, तो उस तरीके का था। क्या इंटरेस्टिंग मोमेंट था सेट पे जो आप दर्शकों को बताना चाहोगे, कोई भी? भाई सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तो हमारा कोविड था, और अलीबाग की जो पंचायत है वो इतनी पर्टिकुलर है, वहाँ इतना पीस है, हर चार दिन में पंचायत पहुँच जाती थी सेट पे देखने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं। हमारे टेस्ट होते थे हर 5 दिन में, तो बहुत सेफ्टी था सबको। एक मिनी वेकेशन था, जैसे सब हम सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से अलग अलग विलाज में ठहरे थे। प्रोड्यूसर मिस्टर अजय गुप्ता और जो काली मूवीज़ हैं उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा, हम सबको अलग अलग गाड़ियाँ मिलती थी, कब कहीं ना कहीं हमको रोका जाता था और चेक किया जाता था। सो बहुत साफ सुथरा और बहुत जैसे हम एक बायो बबल में थे, उस तरीका का इन्वायरमेंट था। और फन तो बहुत था, मेरे को ये बात ऋतुराज जी की मैं कभी नहीं भूलूंगी, उन्होंने मुझे कहा लाइफ में ना बहुत मौके आएंगे जब आपको रोने का मौका मिलेगा, हंसने के मौके ना बहुत कम आते हैं, तो वो मौके चुरा लो। और जैसे कभी कभी मैं अपने रूम में ही बैठे रहती थी तो वो आके मुझे बुलाते थे, बोलो चल बेटा चलो सबके साथ एंजॉय करो, क्यों तुम अकेली बैठी? मैं बोलती थी कल सुबह जल्दी उठना है, तो बोलते थे तो आज तो जी लो। बिल्कुल, जब भी कोई OTT पे सीरीज या मूवी आती है तो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ। तो इसमें कुछ ऐसी अलग चीज जो अदर OTT की सीरीज और मूवी में नहीं देखने को मिली? ऐसा कुछ नहीं है, पर आई एम श्योर इसमें अलग ये चीज, अच्छा मैं अगर बता दूं तो सस्पेंस चला जाएगा। बिल्कुल मींस वैसी इंटरेस्टिंग की चीज। इंटरेस्टिंग, हम लोग दिन भर बहुत मेहनत करते थे और रात को ऑफ कोर्स मिल के मस्ती करते थे, और दिन की सबकी मतलब जिसके साथ क्या हुआ वो। सौमित्र इज वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वो जितने सीरियस है ना, वो जितनी सीरियस तरीके से सीन शूट करते थे रात को, वो सबका मजाक उड़ाते थे। इट्स सो फनी कि उनको सब पता था कि किस रूम में क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। और ऐसे बहुत किस्से थे जब किसी का माइक ऑन था तो चीज़ें सुनाई दी और उस पर बहुत हंसी और बहुत हमने बहुत खुशियाँ मनाई। जैसे यू नो एक लॉकडाउन के बाद जो हम 15 दिन शूट करे गए तो खुशी का माहौल था और लोगों को, मुझे आई टेल यू व्हाट मुझे क्या हुआ था, क्योंकि मैं लॉकडाउन में अकेली थी, जब मैं शूट पे गई ना, एक तो हेयर के लिए कोई आते हैं हेयर ड्रेसर साहब, फिर मेकअप के लिए आते हैं, तो मुझे ना थोड़ा डर लग रहा था कि जब कोई इतने पास है, लेकिन सबके टेस्ट हुए हुए थे, सब मास्क में थे। लेकिन सडनली आप जब एक एनवायरनमेंट में घुसते हो जो अकेले रहने के बाद ना, एक मुझे घबराहट सी हुई थी, आई बी ऑनेस्ट, बट आई थिंक सबको हुआ था और सब ने मुझे देखा और सब ने कहा रिलैक्स, ये सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से आप फील कर रहे हो, क्योंकि अब यहाँ पे कोई है तो और हम संजय सर भी बहुत ख्याल रखते थे कि रूम में 5-6 से ज्यादा लोग ना हो। OTT की बात करें, जिस तरह से OTT ने ओवरटेक किया है, हाँ, बड़े पर्दे को, उस पे आपका क्या कहना है? बस ये हमेशा होना ही था। लोगों का मेन ये भी मानना है कि 10 सेकंड स्किप करने का होता है और फिल्मों में नहीं, पूरा 3 घंटे बैठने पड़ते हैं। ये शॉर्ट फिल्म है, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। और इस फिल्म में अगर आप कुछ 10 सेकंड्स फॉरवर्ड करते हो तो आप बहुत कुछ चला जाएगा, तो फॉरवर्ड ना करें इसमें, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है और बहुत कुछ है टू ग्रैब। और OTT का, और OTT मतलब
कोविड के वजह से तो ओटीटी का प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा हो गया, पर हॉलीवुड में टेलीविजन भी बहुत बड़ा है. स्टूडियोज पिक्चरें बनाती है लेकिन टेलीविजन हॉलीवुड में बड़ा है. अब ये बॉलीवुड में हो गया है कि अब बड़ी पिक्चरें आएंगी आई थिंक थिएटर पे. ओटीटी का प्लेट ये अच्छाई ये है कि सब पिक्चरें आप घर में बैठ के अपने फैमिली के साथ देख सकते हो. और ज़रूरी नहीं कि बाहर जाके, अभी हम अगर 5 जन को लेके बाहर जाएं तो 6-7 हज़ार तो खर्चा हो ही जाते हैं. यहाँ घर पे बैठो और देखो. स्माइली जी, आपकी बात करें तो आपने बीच में काफ़ी सारे काम किए अभी तक. हाँ. पर जब आपने कलयुग किए, कलयुग के बाद अभी जो कैमरा फेस आपने किया, क्या चेंजेस आपको देखने को मिले? एक तो अभी जो जैसे मैंने कहा एक्टिंग का कुछ पता चलता भी नहीं है. एक मैं आपको फनी इंसिडेंट बताती हूँ. मुझे ना बहुत दिलचस्पी होती कैमरा, और तो मैं ईशान सर से जाके पूछती थी, सौमित्र से पूछती थी. एक दिन कुछ बात हो रही थी, पैंथर आएगा, पैंथर आने वाला है, और पैंथर से मैं ऐसे शूट करूँगा, ऐसे पैंथर आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएंगे, सब सबका हो जाएगा. तो मैं खाली सुन रही थी, तो मैंने एक्चुअली सोचा कि कोई पैंथर आ रहा है, मतलब अलीबाग में है, जंगल में है, क्या पता सांप पैंथर सब आ जाएगा. मैंने कहा क्या बात है, पिक्चर में पैंथर है, क्या बात है. तो मैंने कहा मुझे पैंथर के साथ फ़ोटो खींचने के. तो मैंने डायरेक्टर को बोल दिया कि पैंथर कब आ रहा है, मुझे पैंथर के साथ फ़ोटो लेना. तो ये जोक था सौमित्र और ईशान सर के बीच में कि स्माइली के लिए पैंथर आ रहा है, पैंथर आ रहा है तो वो फोटो खींचेगी पैंथर के साथ, सब लोग पहले स्माइली खींचेगी. फिर पता चला पैंथर एक कैमरा है जो यू नो दो मतलब मूव करता है, उसकी मूवमेंट या उसकी जिस तरह एक पैंथर मूव करता है उस तरह मूव करता है. तो काफ़ी कुछ काम दो शॉट में ख़त्म हो सकते हैं. जब भी कोई स्क्रिप्ट आपके पास आती है, कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है, तो फिर आप अपने मन में क्या प्रिपेयर करती हो? आप अपने मैं अपना कैरेक्टर बस. मेरे को लगता है कि एक एक्टर के हाथ में बहुत कम एक्शन और कट के बीच में आपका काम है. आप सिर्फ अपने किरदार, अपने लाइंस लर्न करें, बाकी सब डायरेक्टर कॉस्ट्यूम मेकअप हेयर आपको बना देते. ये हम बात करें जब आप कोई प्रोजेक्ट करती हो. हाँ जी. उसके बाद आप कुछ समय का ब्रेक लोगी या कुछ भी करोगे, उसके बाद जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलने वाला है, उसके बीच का जो गैप होता है, उस वक्त ऑडियंस जानना चाहेगी कि आप क्या करती हो, आप क्या सोचती हो? फर्स्ट तो मैं सोचती नहीं हूँ, मैं अपने क्लासेस चलाती हूँ. आई टीच डांसिंग, पोल डांसिंग. आई ऑल्सो मैं आई होप अभी कोई गैप नहीं आए, बट अगर आता है तो मैं अपने आप पे काम करती हूँ. लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं तो उस पर मैंने बहुत मतलब टाइम निकाल दिया है, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त है. अपना टाइम शायद अभी आएगा. बिल्कुल, आपके पोल डांस पे भी काफ़ी सारी बातें करनी है, पर उसके पहले आपके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे, आपके इंटरव्यूज देखे, तो काफ़ी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में भी है, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? बहुत मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है, और मुझे तो बहुत धक्के मिले हैं, बट आई थिंक इस वक्त अपने आप को संभालना, प्रोफेशनल छोड़ो पर्सनल छोड़ो, बस अपने आप को संभालना, स्थिर होना. जैसे आई हैव बीन थ्रू फेजेस ऑफ डिप्रेशन, और बस अपना साथ देना बहुत ज़रूरी होता है. और एक फेम मिलने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं उतनी पर्सनल नहीं रह जाती जब ऑडियंस के सामने आप आ जाते हैं. तो ऑडियंस की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आता था ये सब होने के बाद? यू नो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जो भी कम फॉलोअर्स हैं, और मैं ये इंस्टा भी ज़्यादा नहीं जाती थी, जो भी है ना टच, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार मिला है. और सब ने कहा मैडम कम बैक करो, तो किसी ने टच, शायद मैं इतनी फेमस नहीं हूँ, किसी ने ऐसा ट्रोल नहीं किया. आपके पोल डांस स्टूडियो की बात करें, किस तरह का प्रोसेस रहता है उसमें, और आपका इंडिया का फर्स्ट पोल डांस स्टूडियो? जी, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. सो अर्लियर लोग पोल डांस को बहुत बुरी नज़र से देखते थे, जैसे कथक और बेली डांसिंग को भी. अभी तो सब ने खोल दिए पोल डांस स्कूल्स, और ये एक स्पोर्ट है, ओलंपिक्स में भी चला गया है,
तो मैं पोल डांस को यूज करती हूँ औरतों को एम्पावर करने के लिए, इससे डिप्रेशन जाता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ता है आपकी बॉडी को एक, क्योंकि आप जब पोल डांस पोल फिटनेस करते हो तो आपको बहुत ज़रूरी है उस मोमेंट में रहना, नहीं रहोगे तो गिर जाओगे। तो आई फील ये बहुत एम्पावरिंग स्पोर्ट है। इसमें आपका इंटरेस्ट कब से था? वैसे बचपन से डांस में तो इंटरेस्ट था, मैं एरियल सिल्क करती थी, तो 2016 में मैं सिंगापुर गई और मैंने ट्रेन किया ऐसे ही, मतलब पोल के लिए। आपका जो कलयुग का गाना जिया धड़क, हाँ जी, अभी तक इतना ज्यादा पसंद या अभी ज्यादा रील्स के वजह से इतना ज्यादा अभी तक भी पसंद करते हैं, आपको कुछ रिस्पॉन्सेज मिले अभी भी? अभी भी कितने लोग मेरा नाम ही जानते हैं, बस मुझे जिया धड़क धड़क लड़की बुलाते हैं या मुझे रेणुका बुलाते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे गाने होते हैं जो आगे चल के और हमें, मतलब राज साहब और मोहित और भट्ट साहब ने ये जब गाना उनसे लिया था, इससे बहुत आई थिंक पता नहीं क्या सोचा था, पर ये गाना एपिक है। मोहित जी की बात करें, काफ़ी बड़े डायरेक्टर है, काफ़ी काम पसंद करते हैं उनका लोग। जब भाई एक ऐसा बड़ा डायरेक्टर हो तो लोगों का ये भी मानना है कि उनके घर वालों को कोई टेंशन ही नहीं होगी, उनके फैमिली को इजीली काम मिल जाएगा। नहीं नहीं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं है सच्चाई, मैं ये बात संजय जी से भी बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि लोग मुझे भी कहते थे तुम्हारा भाई तो अनिल कपूर है, बॉनी कपूर जी आपके भाई हैं, और मुश्किल होता क्योंकि एक प्रेशर आता है। देखिए, हम सबको अपना करियर आगे बढ़ाना है, आप अपना काम करते हो, DOP अपना काम करते हैं, चैनल वाले हेड अपना काम करते हैं। अब इसमें अगर आपको बोला जाए अपनी बहन को भी, आप थोड़ी बहुत मदद कर लोगे, फर्स्ट ब्रेक दे दोगे, लेकिन किस्मत भी तो कोई चीज़ होती है। शायद वो दिन मुझे काम, मुझे मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं जितना अभी अवेयर हूँ, मैं जितना अभी, आप जैसे मैं काजल से बात कर रही थी कि उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू किया था, कि अभी मेकअप हेयर और लोगों से मिलना, कैसे बात करना, मार्केट कैसे करना, वो सब की नॉलेज मुझे अभी आई। और उस वक्त मोहित को भी तो अपना करियर बनाना था और वो अपनी सब फिल्म इमरान के साथ कर रहा था जो मेरा भाई है, मैं उनके साथ कैसे काम करती हूँ? बिल्कुल यही चीज़, इमरान आशमीर, आलिया भट्ट, महेश सर और काफ़ी बड़े बड़े नाम आपके रिलेशन में, तो उस हिसाब से लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते थे कि आप और ज्यादा दिखोगी। तो फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं नेपोटिज्म का ऑपोजिट हूँ। बिल्कुल उसी पे मैं आ रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। लोग बोलते हैं नेपोटिज्म है ना, नहीं है यार, मतलब आई डोंट नो, अगर है मैंने तो नहीं देखा, मेरे पे आप बीती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके, और मैंने संजय जी से भी ये बात कर रही थी, बॉबी डियोल को आप देख लो, उन्होंने खुद अपना आज वो आश्रम जो सीरीज था जो MX प्लेयर पे आया था, कितना बड़ा हो गया, अब जाके उनकी जिंदगी शुरू हुई है एज एन एक्टर। तो ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम पे उनको अच्छा लॉन्च भी मिला था, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं तो नेपोटिज्म के ऑपोजिट ही हूँ, तो मैंने नहीं देखा। जो पिछले कुछ साल से नेपोटिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मीन्स उसके बारे में बातचीत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हाँ, लोग ज़्यादा उस पर फोकस करने लगे कि नेपोटिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है, आप उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो नेपोटिज्म की ऑपोजिट की एग्जांपल हूँ कि एक फैमिली में रह के, इतनी दिग्गज फैमिली में रह के मुझे तो किसी ने ऐसा पुश नहीं किया। हाँ, मोहित ने किया था पहली फिल्म में, क्रुक में भी थी, आशिकी में मैंने पोस्टर में थी, लेकिन अगर आप एक बात समझें, मतलब एक मोची अगर है और उसका लड़का होता है, तो वो क्या चाहेगा कि उसकी दुकान, वो लड़का थोड़ा बहुत सीख के उसकी दुकान को आगे बढ़ाए, तो मोची सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करेगा? अपने बेटे पे। हाँ, अगर अपना बेटा निकम्मा निकला और उसको कुछ और करना है, डांस करना है, तो फिर मोची पूछेगा ना आसपास, और पहले किसको पूछेगा? जिन बच्चों को वो जानता है अपनी फैमिली में, चाचा का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा, कि भाई मेरी दुकान बढ़ा दे। तो वो है आई थिंक नेपोटिज्म, अगर आप उसको नेपोटिज्म बुलाना चाहते हो। मैंने नहीं देखा मैं नेपोटिज्म। और जो फिल्मी बच्चे होते हैं ना, वो एक माहौल में पले बड़े होते हैं, उनको पता होता है सेट का माहौल कैसा होता है,
उनको पता होता है कि जब डायरेक्टर कुछ बोलता है उसका मतलब क्या होता है. आई थिंक ऑफ कोर्स, लेकिन सबसे बड़े एग्जांपल शाहरुख खान, यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन जी, सब बाहर से आए हुए हैं. और अगर अमिताभ बच्चन कर सकते हैं तो अभिषेक बच्चन उनसे ज़्यादा नाम करवा का यू नो कमाते. बट आई फील सबकी एक जगह है, सब अपने आप में अपने टाइम पे शाइन करते हैं. इमरान सर, महेश सर, इन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी और जब आप मिलते हो तो क्या बातचीत होती है? इमरान से तो बहुत हम लोग मजाक बहुत करते हैं और ही इज़ वेरी गुड विथ हेल्थ. तो अगर हेल्थ के टिप्स, डाइट टिप्स कुछ लेना है तो आप उनके पास जाइए ज़रूर. और हम ज़्यादातर पुरानी बातें करते हैं कि हमारे टाइम में कैसा था, 90s का टाइम जब TDK होता था, ये होता था, वो होता था. भट्ट साहब से बहुत दिन से मिली नहीं हूँ और मैंने सुना है वो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं. और बाकी बस यही है कि फैमिली ज़्यादा मिलती नहीं है, मतलब हम अभी सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं. इस इंडस्ट्री में आने के लिए लड़कियों को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है ऐसा कहा जाता है, मींस उनको काफ़ी ज़बरदस्ती ये सब देखना पड़ता है, इसमें कितनी सच्चाई आपके थ्रू अगर ऑडियंस को बताना चाहो तो? मेरे को कभी कुछ टच वुड फेस ही नहीं करना पड़ा. बट मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में. आप अगर एयरलाइंस में जाओगे तो आप देखोगे कि एयर होस्टेसेस को भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है. आप कॉल सेंटर में चले जाओ, देख लो क्या हो रहा है वहाँ की लड़कियाँ, तो गॉड ब्लेस देम. आप कहीं पे भी चले जाओ, ट्रैवल्स एंड टूर्स में या कॉर्पोरेट्स में, तो मेरे को लगता है इंडस्ट्री की क्या बात है कि सब दिख के आता है. हम बस बैठे हुए इधर, हमारी लाइफ खुली है, आप देख लो. लेकिन ये अगर आप बोल रहे हो मी टू मूवमेंट या जो भी है, ये हर इंडस्ट्री में. तो इस इंटरव्यू के थ्रू जो आप लोग आपको देख रहे हैं, आपको पसंद करें, इस चीज़ के बारे में उन लोग को कुछ बताना चाहूँगी? बस मैं ये बताना चाहूँगी कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को आपकी जो कला और आपकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए और आपकी जो हार्डवर्क और लोगों से मिलने की PR रिलेशंस मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी अब होती है, अब तो लड़की हमारे लिए बहुत काम आ गया. तो या जस्ट वर्क हार्ड. आपकी वो आशिकी वाले पोस्टर का कोई किस्सा बताना चाहोगी, क्योंकि आप उसमें? आई थिंक मोहित ने एक टैलेंट राउंड अनाउंस किया था, तो लड़की लड़का तो थे नहीं कुछ, तो उन्होंने कहा था चलो पोस्टर शूट कर लेते हैं, तो मुझे बुलाया, स्माइली आ जाओ एक पोस्टर शूट करना है, एक लड़के को बुलाया और शूट कर लिया, तो बस वही था. लास्टली अपने फिल्म के बारे में ऑडियंस को क्या कहना चाहोगी? बस यही कहना चाहूँगी कि Z5 पे 31st हाउस ऑफ लाइज आ रही है, छोटी फिल्म है, बस मैं कम बैक कर रही हूँ, संजय जी हैं, ऋतुराज जी हैं, आप ज़रूर देखिए आप. और इतनी कुछ मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत बड़ी फिल्म बनाई है, बस ये है कि एंटरटेनिंग है. और आई एम श्योर कि कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ आपको फॉरवर्ड करना पड़े. आगे कहाँ देखेंगे आपको? कुछ OTT, एनीथिंग इन पाइपलाइन? OTT. आई वुड लाइक टू लॉर वर्क ऑन OTT. थैंक यू सो मच. थैंक यू. साइज XL, L सब अलग अलग है. M से लेके XL, M से लेके XL तक. थैंक यू मैम. हैव अ लिफ्ट. पेन के फोटो निकालेंगे मैम. थोड़ा थोड़ा बस 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 टैग कर दे. यू क्या सेंटर देखो सेंटर.
थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। इलनाज जी, मैम यहाँ यार रुकिए ना, वेट 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 मैम वेट। इधर ही ना मैम, बस हो गया यहीं पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। आ जाओ। ओके सो फर्स्टली मेरी मेरी कांग्रेचुलेशंस आपके टॉक शो के लिए जो है चड्डी बड्डी और समथिंग न्यू। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, फ्रेंड्स जरूर है आप लोग, लेकिन ये फ्रेंड्स कितना दुख में एक दूसरे के साथ? सी अभी तक इफ़ आई मे से इधर इतना कोई बड़ा दुख नहीं आया है, बट या मेरी लाइफ में एक ओकेजन आया था जहाँ पे आई हैड टू शिफ्ट माय विग बिग रेसिडेंस एंड शिफ्ट टू अनदर प्लेस, एंड ही वाज वेरी हैप्पी फॉर द बिग प्लेस, एंड देन इट वाज अ टोटल शिफ्ट ऑफ एवरीथिंग। सो आई थिंक वो था उस वक्त, एंड वी शेयर्ड एंड वी वर लाइक ही वाज देयर in the afternoon, we spent an entire one or two days together. And the best part is, jab mera ghar ja raha tha ya main shift ho raha tha, or you know, it happened like boom, ek mahine mein shift hona hai, to us mahol mein hum log badminton khel rahe the and dopahar ko badminton khel rahe, shaam ko kar rahe, so life is just about changes. So dukh mein bhi hum log we were chilling out. So bahut baar kya hota hai ki aapko ऐसे जब दोस्ती की बात करते हैं और दुख में कितना मौजूद था वो दोस्त, था आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था या नहीं था, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू नो, आपको पता है समवेयर द अदर, बोलते ना माइंड में आपको पता है कि ये मेरे पीछे है। एक होता है मॉरल सपोर्ट, बहुत बार यही काम कर जाता है। अरे कुछ नहीं, बख्तियार है ना यार, वो बख्तियार है ना, बख्तियार कर लेगा, बख्तियार बोलेगा अली है ना, ऐसे टाइम पे अली है मेरे साथ, वो खड़ा रहेगा। तो आपके माइंड में भी रहता ना, तो आप बहुत सिक्योरिटी। दोस्ती क्या है, क्या है दोस्ती? दोस्ती ट्रस्ट। आपको ऐसे वो फील जो जिससे कि ऐसा लगता है कि आप सेफ हो, ये मेरे साथ है, मुझे मैं गलत करूंगा तो मुझे बताएगा गलत। उसमें अगर समझो बख्तियार आज एक्टर नहीं होता, या मैं आज एक्टर नहीं होता और बख्तियार स्टार होता, मैं एक्टर, मैं नॉर्मल आदमी रहता, मेरी किराने की दुकान होती और हम दोस्त होते, तो मेरे लिए ये बात नहीं होती कि बख्तियार स्टार है तो मैं झूठ मूठ इसकी तारीफ करूं, ये गलत भी करे तो मैं इसको नहीं नहीं तू तो आप बहुत सही करे सर, पर अगर मैं दोस्त हूं तो मेरे लिए ये है तो आप तुम गलत कर रहा है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी मुझे इम्प्रेस करनी। हमारी दोस्ती जो है वो वही है ना, मेरे से इसको कुछ फ़ायदा है ना मुझे इसको इससे फ़ायदा है, और दोस्ती सिर्फ फ़ायदा नहीं है कि मुझे उससे क्या मिल रहा है तो मैं इसलिए उसके साथ दोस्त हूँ। दोस्ती एक फीलिंग है, एक अटैचमेंट है, एक है। हम मेरे ख्याल से 3-3 महीना बात नहीं करते, फिर जब कभी बात शुरू हो जाती, कुछ एक बहाना मिलता है यार, तो अभी ईद आएगी, अभी ईद आएगी तो
अच्छा सालों से चल रहा है कि तू बिरयानी नहीं भेज रहा है, नहीं भेज रहा है, और मैं जानबूझ के नहीं भेजता कि वो हमारा एक वो हिट एंड मिस चलता रहे. सो दैट एक अजीब सा रिश्ता है, कैसे जुड़ गया मुझे नहीं पता. यू नो गलत करता है तो मैं बोलता भी उसको गलत, तू गलत कर रहा है, फिर ये बोलता मैं ऐसा ही हूँ. इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इसको मालूम भी है गलत कर रहा है और ये है. तो यही इसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था कि यार ऐसी कुछ टॉक शो करते. अब क्या है, मीडियम्स बहुत हैं, है ना, प्लस खुद कर रहे हैं तो किसी चीज़ का दबाव नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं, दिस विल नॉट वर्क, दैट विल वर्क, नो वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दैट. सर अपना कुछ वो करेंगे, अगर इंशाल्लाह कुछ बड़ा हो गया तो हो गया. एंड जैसे ही हमने ये चीज़ शुरू किया है अभी, मतलब मेरे ख्याल से दो ही एपिसोड, नहीं नहीं शूट तो हो गए, तीन चार हो गए, लेकिन दो एपिसोड फाइनल हुए हैं एडिट पे, तो चीज़ें अलग लेवल पे चले गई है. फिलर्स आ रहे हैं, बड़े लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में, वील डू इट टुगेदर, ऐसे वैसे बातें चल रही है. सो एक ऑनेस्ट मस्तीखोर चुलबुला शो है. इंडस्ट्री में क्या हर जगह कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं है किसी को पता नहीं है. बहुत बार हमको लगता है ये दोस्त है लेकिन वो दोस्ती नहीं होती. यू नो दोस्त हमसे भी अच्छे दोस्त होंगे, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ. और ख़ास तौर पे हमारे इंडस्ट्री में क्या हो जाता है, हम डेली सोप करते, डेली सोप में काम करते, 30 दिन में 40 दिन का काम होता है. सुबह 8 बजे जाते, रात को 10 बजे सेट से बाहर निकलते. आप अपने घर वालों से ज़्यादा आपके को एक्टर्स के साथ रहते हो, तो उस वक्त ऐसे लगता नहीं यार ये दोस्त है. आप बैठते हो, बात करते हो, आज घर पे ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ. ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जाके दोस्ती कंटिन्यू होगी. उसमें ऐसे हो जाता है बहुत बार के जैसे शो ख़त्म, ऑफर हो जाता है, बंद हो जाता है, थोड़े दिन के बाद वो, क्योंकि डेटा तो उतना ही है ना आपके पास, 256 नंबर्स, कितने नंबर स्टोर होते हैं, तो आस्ते आस्ते वो नंबर डिलीट हो जाती है. तो वो चीज़ को हम कैप्चर करने की कोशिश करें, एक दूसरे को कितना जानते हैं. एंड सेलिब्रिटीज आकर के कुछ ज़्यादा ही खुल गए हमारे शोज में. हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा हमारा वो भी नहीं है कि 4 घंटा या 3 घंटा, इतना बड़ा शो नहीं है. 20-25 मिनट में फट फट अलग अलग हमको, हमारे सेलिब्रिटी जो कपल्स जो दोस्त आते हैं उम्मीद से दुगना डिलीवरी करके जा रहे हैं. वेल आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी, बट मैं आप दोनों के बारे में, आप दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में जो एज चड्डी बड्डी जानना चाहूँगी. यू नो समटाइम्स इट हैपेंस, बहुत सारे फ्लॉज होते हैं हमारे फ्रेंड्स में जो एक्सेप्ट करना पड़ता है बिकॉज वी आर अटैच टू देम. सो आप दोनों के अगर मैं फ्लॉज एक दूसरे के बारे में मैं जानना चाहूँ, तो क्या फ्लॉज है जिसकी वजह से बख्तियार आपने अली को एक्सेप्ट किया और अली आपने बख्तियार को एक्सेप्ट किया? See, flaws, I think, you know, every time we take newly married wives and husbands and friends are the only people jisko utha ke phek do. Aapka bachcha kitna badtameez hai, usko uthao, pheko bahar, life se pheko. Wo tum nahi kar sakte. Kyun? जिम्मेदारी की टोपली 10 मिनट का काम के लिए जिंदगी भर पकड़ के झेलना पड़ता है. तो ये सारे रिश्ते इतने मामूली क्यों लगने लगते हैं, दोस्ती, शादी. आई सी एवरीवन गेटिंग मैरिड, ब्रेकिंग ऑफ गेटिंग, तो शादी क्यों की बेटा, मतलब ये वो तो ठीक है. उसके बाद जब वो एक स्टेटमेंट आता है हस्बैंड वाइफ जो अलग हो गए, it wasn't working, so we separated, but now we understand each other better. Yes. मेरे को ये हर ब्रेकअप के बाद ये लाइन मेरे समझ में नहीं आता है. Now we understand each other better. I'm always there for him, her. खेल हो गया है. अभी आप देखिए फिल्मों में भी शादी वगैरह, हम अलग टेंजेंट पे जा रहे हैं. पहले होती थी कि बाप जो है अपनी पगड़ी निकाल के कदमों में रख देता है हीरो के, या जो अपनी बेटी का जो अपने दामाद के, कि मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों है. वो दौर गया. अभी तो बच्चे जो स्मॉल टाउन से इधर आते हैं या जो
कहीं रहते हैं, अलग मेट्रो सिटी में रहते होंगे, यहाँ मुंबई में काम कर रहे, प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, बुलाते भी नहीं है, हमारी शादी हो गई, ये क्लिपिंग भेज रहे हो, देख लो, आशीर्वाद दे दो, आर यू गेटिंग इट? सो वो दौर सब गया, वो दौर बदलता जाता है, सब कुछ चेंज होता जाता है. सो फॉर मी फ्लॉज अली, आई एक्सेप्ट इफ आई एम नॉट परफेक्ट, सो आई डोंट नो सर्टन स्टफ अबाउट हिम व्हिच यू मे आस्क मी, आई माइट नॉट नो. इफ यू आस्क हिम अबाउट मी, वी माइट नॉट नो. बट मेरे लिए दोस्ती एक ऐसी चीज है जो एक कमरे में बैठकर, जिसके साथ बैठकर मजा आता है, या बिना कुछ बोले वो बहुत कुछ समझ जाता है, और जिसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मेरे लिए दोस्ती है. सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ हिम, एंड इफ यू वांट टू सी ऐसी कॉमेडी फ्लॉज विथ हिम, ये नाइट शो में भी नहीं आता. इतना जल्दी सो जाता, मुझे अभी नींद आ रही है. भाई होता है बहुत बार मेरे कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस को लेकर के, कोई कोई डिसीजंस को लेकर के, कि तू पागल है, तू क्या किया, ऐसा क्यों किया, दिस इज रॉन्ग, यू शुडन्ट हैव डन दिस. उसके बाद मुझे उसको समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई है जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा, या मैं ये स्टेप ले रहा हूँ बकू, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, एंड यू नो मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, तो मैं ले रहा हूँ. तो वो है, देखो मुझे भी इसकी, ये गर्म मिजाज का बंदा है, और इसको क्या कुछ चीज़ पसंद नहीं आता तो ये वो नहीं है कि छोड़ना, मेरे को क्या लेना देना, ये छोड़ना वाला नहीं है. इसमें मेरे से क्या है, अगर इसको चीज़ें अच्छी नहीं लगती है इसके वर्क एरिया में या रिलेशन में, तो ये इज फट करके बोल देगा ये, फिर आपको बुरा लगे या वो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसका वो है. जो मैं हमेशा इसको टोकता हूँ, मत कर, थोड़ा सा यू नो. तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी मोटी, इतने वो नहीं है, आई थिंक फ्लॉज नहीं है इसीलिए जुड़े. See, I'll give you a very open and clear example of Kushal Punjabi. Kushal Punjabi and I know each other since 2005-6. He died at 41. He was at 41-42. He was the fittest man declared at 40. Wo competition mein gaya tha. Okay. But uski life ke jo situations hai, firangi se shaadi karna, firangiyon ka ek apna mindset hota hai. आदमी के पास एक फॉरेन बाइक थी, बैंड्रा में घर था, ही वॉज नॉट दैट ही वॉज पीकिंग हिज करियर, बट ही वॉज देयर वेर ही वॉज, गुड लुकिंग मैन. आई नो हिम सिंस ही हैड गर्लफ्रेंड्स, ऑल गुड लुकिंग गर्लफ्रेंड्स. वॉट मेड हिम डू वॉट ही डिड इज हिज सोलो स्पेस. कोई बोलता है ना, आदमी डरपोक है इसलिए सुसाइड करता है, अरे बॉस गुर्दा चाहिए, गुर्दा चाहिए ये काटने के लिए, गुर्दा चाहिए अपने आप को तड़पते हुए वो 10 मिनट झेलने के लिए, और वो नोट लिख रहा है, वो बाजू में ऑटो वाला जा रहा है, ये वो जिंदगी में आखिरी बार देखेगा ऑटो वाला जा रहा है बॉस, क्योंकि इसके बाद वो मरने वाला है, वो गुर्दा चाहिए, बट दैट इज अ सोलो स्पेस. वो एक मोमेंट होता है, वो क्रेजी मोमेंट होता है. कोई भी अगर बोलता है लाइक चेतन हंसराज, आई स्पोक टू हिम इन द मॉर्निंग, I spoke to him in the morning. अब बोलो बात भी की है. जैसे एक इंडस्ट्री में डिसेंट एक्टर का सुसाइड हो जाता है, आई एम विथ यू ऑलवेज, टॉक टू मी, ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम टॉक टू मी. बाद में मेंटल हेल्थ टेक्स अ ब्रेक. बाद में वापस किसी ने कुछ कांड कर दिया,
आई थिंक मेंटल हेल्थ शुड बी गिवन, बॉडी के ऊपर ध्यान मत दो, मेंटल हेल्थ लियो. सेलिब्रिटीज ने मतलब चबा लिया है वो, दिवाली पे पटाखे आराम से जलाइए, ये जलाइए, घंटा मर जा, बहुत है पॉपुलेशन. मैं तो ये बोलता हूँ इंटरव्यू में, ये मतलब क्या, मतलब किसको क्या बोल रहे हैं. आज 16 साल की लड़की या 15 साल की लड़की को सब मालूम है. यू डोंट ट्राई टू एजुकेट द यंगस्टर्स, यंगस्टर्स विल एजुकेट यू 100%. इज सन विल एजुकेट हिम हाउ टू हैंडल एन आईपैड और एन आईफोन. सो वी आर इन दिस वर्ल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे किसी को कि बस शायद मेरे फ्रेंड ने फोन कर लिया होता. मैं इधर इसके इतने करीब हूं, लेकिन वो एक सन की मोमेंट जो आ जाता है ना लाइफ में, वो 5-10 मिनट में वो बुप कर निकल, वैसे हो जाता है. उसमें कौन फोन करेगा, क्या फोन करेगा, और किसको ब्लेम करोगे? माँ बाप बीवी को ब्लेम करेंगे, बीवी माँ बाप को ब्लेम. वो तो चला गया ना बॉस, खत्म, मटके में आ गया इंसान, 6 फुट का मटके में, क्या करोगे? Nobody can give anyone advice. And that's what I believe in. And I strongly believe that, boss, ये तेरा कर्मा है, तूने ये decide किया है, तू कर, तू भुगत. मैं जहाँ तक था, मैं I am there with you. What do you have to say about this? ये zone मुझे honestly समझ में नहीं आया. ये social media पे जो कुछ भी कहते हैं, ये ऐसे हादसे होने, unfortunate हादसे होने के बाद वो तो कहते रहेंगे, उनका काम है कहना वो सब. ये भी नहीं कहूँगा कि वो नहीं है, होते ज़रूरतमंद के पास, पर जैसे बक्कू ने कहा कि वो 2 मिनट के अंदर क्या कर जाएगा. आप बाजू में भी हो, आप अगले रूम में हो, आप ये सिर्फ बहाना बन जाता है. फिर मैं पानी लेने के लिए गया और उसने ये कर दिया, वो कूद गया, वो ट्रेन के आगे आया, उसने अपनी नसें काट दी, ये सब चीज़ें होती है. तो मैं तो उसे ही कमज़ोर कहूँगा जो ये काम करता है. इतने क्या, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने अपनी ज़िंदगी दे दी उसके लिए? ऐसा क्या नुकसान आपके लाइफ में हुआ है, या ऐसा कौन सा रिपेरेबल? मेरे हिसाब से ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा घाव वो है जब आपके माँ बाप चले जाते दुनिया से. आपके पास पैसा है, आज टेक्नोलॉजी हो गई है, क्योंकि आप कभी ये नहीं सोचते कि यार जहन में भी आपके ये नहीं आता कि मेरे माँ बाप मरेंगे, या एक दिन आएगा जब हम सबको जाना है, इस मौत को सबको चखना है. पर वो चले जाते उस, कभी ऐसा यू नो, आप खड़े हैं, आपके पास पैसा है, आप इलाज करा रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते. फिर वो नहीं आता है, इसके फादर नहीं है, मेरे फादर नहीं है. आज भी वो जोन कोई नहीं ले सकता, ना मैं वो जोन कंप्लीट कर सकता, ना वो जोन ये मेरे लिए कंप्लीट कर सकता. इतनी सारी खुशियाँ होती है जो जिसकी उन्होंने दुआई की थी, इतने सारे दुख है, हम जाकर के कब्र पे बैठ के रोते हैं यार ये ऐसा है वैसे, पर नहीं है. तो ये मेरे हिसाब से इतना बड़ा लॉस है, उसके बाद भी हम जी रहे हैं. तो ये बाकी सब चीज तो सेकेंडरी है मेरे हिसाब से. इसके लिए इतना कमजोर होना, जान दे देना गुनाह है, नहीं देना चाहिए. मेरे पॉडकास्ट के बारे में, हमारे पॉडकास्ट के बारे में, ये अली असगर, मैं हूँ बख्तियार, हम लोग दोस्त हैं. शो का नाम है चड्डी बडी. चड्डी बडी इंस्टाग्राम पे आते रहेगा. अली असगर को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टा पे. हमारे प्रोमोज आते रहेंगे और प्रोमोज में हम बताएंगे कि चड्डी बडी और कहाँ कहाँ आ रहा है. और चड्डी बडी की खास बात है कि हम दोस्ती पे बात करेंगे, तो 18 से 32 या उसके आगे भी अगर आपको आपके दोस्त की टेस्ट लेनी है तो ये शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल मैं सेलिब्रिटीज़ को पूछता हूँ कि वो सोचते कि क्या पूछेगा. तो एक दिन पहले अपने दोस्त को फ़ोन करते, तेरा फेवरेट कलर क्या है, तेरा फेवरेट फूड क्या है. तो मैंने मतलब वो बोलना और पूछना छोड़ दिया है, हम बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं. तो डेफिनेटली वॉच चड्डी बडी एंड नो हाउ गुड योर फ्रेंड इज. चीयर्स, थैंक यू. गाड़ी को टर्न मारने दो, टर्न बैठने दो भाई, टर्न.
पांडे वीडियो बाद वीडियो तुम वाले सारे क्लास में वीडियो खाओगे तू चाहिए तेरे को काम भी हो मेहनत कर मेहनत थोड़ी नहीं कर सकते अब्दुल करण भाई कैसे हो सर यही हो जाना सर यहाँ पे सामने बढ़िया बढ़िया भाई आप कैसे हो भाई भाई करण भाई करण भाई छोटा सा बाइट कर लेते हैं बाइट कर लेते करण सर काफ़ी चर्चों में रहते हो आप हमेशा से ही अपने बॉडी को फिजिक को लेकर हो गया अवार्ड फंक्शन को लेकर अभी हाल ही में कल ही आपको अवार्ड फंक्शन अवार्ड मिला जी कितना प्राउड मोमेंट है बहुत बहुत ही अमेजिंग होता है व्यक्ति को भी अवार्ड मिलता है इंटरनेशनल आइकॉन एक्टर ऑफ द ईयर फील्स वेरी गुड फील्स लाइक जो हार्डवर्क किया है उसका कुछ फल मिल रहा है फल तो ऑब्वियसली व्हेन द ऑडियंस वॉचेस इट सबका प्यार मिलता है बट अवार्ड इज आल्सो समथिंग दैट्स गुड टू हैव और फिजिक काफी इंस्पिरेशन करती है आपको लोगों के लिए तो फिट रहने के लिए लोगों को कुछ बताना चाहोगे एक्सरसाइज करो यार हर रोज सबसे नंबर वन तो वही है लोग बहुत ज़्यादा ऑफ डेज लेते हैं और बहुत ज़्यादा ब्रेक लेते हैं तो इतना हम मेहनत नहीं करते कि हम लोग ब्रेक देते हैं तो वर्कआउट एवरी डे रियलिटी शो कितना फॉलो करते हो खतरों की गाड़ी चालू होने वाला हाँ मैं फॉलो नहीं करता बट थैंक यू मेरी वाइफ नोरा जस्ट वेट हियर ए आगे मत जाओ आगे मत जाओ आगे नोरा नोरा वन स्टेप बैक नोरा वन स्टेप बैक हाँ अरे इधर ही सही है नोरा जस्ट लुक योर राइट नोरा जस्ट लुक योर राइट नोरा
रिया जी, रिया जी, हाय ब्रैड, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, ऊपर ऊपर ऊपर, बस ज़्यादा ऊपर नहीं, बस यहाँ पे सर। हाँ क्या बोलते भी दिस कैमरा, लुक योर राइट, लुक योर राइट सर, सर राइट मैम राइट, क्या बोलते भी नहीं है सर, यहाँ सर, सर यहाँ पे लेफ्ट में देखिए ना, प्रतीक सर, यहाँ प्रतीक सर, रुकिए ना, रुके ही है। वेट मैडम, वेट नहीं, अरे वो अभी आया, उसको नहीं मिला, यहाँ पे गाड़ी नहीं आएगी, रोड बंद है अभी, यहाँ पे देखिए ये कैमरे में, इधर इधर बोतो भी, यहाँ पे ऑन राइट, अभी लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर सर, यहाँ सेंटर में, सेंटर में, थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट मैम, सर थैंक यू। प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी, क्रिकेट फिल्म से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर, इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फिल्म से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपना और फर्श के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को तो देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इससे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जाह्नवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं कि उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों को पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है, कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर लीड रोल में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत ही खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमोद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी, क्रिकेट फील्ड से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर, इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फील्ड से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में है। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपनों और फर्ज के बीच झूंझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को देखें तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इसे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जाह्नवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों का पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है, कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ करता नजर आ रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि
जिसे ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर लीड रोल्स में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जाह्नवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कहानी 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाई। जानिए जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तस्वीरें पिछले एक साल से खबरों में बनी हुई है। अब मेकर्स ने आज ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो निराश नहीं करेगा। फिल्म के पोस्टर से ये अंदाजा तो लग गया होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन जबरदस्त ट्रेलर देखने के बाद आपका थिएटर जाना पक्का है। इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा और खूब सारा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। मिस्टर एंड मिसेस माही के करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआत जाह्नवी और राजकुमार की मुलाकात और इनकी लव स्टोरी से होती है। दोनों का नाम माही है, इसलिए फिल्म की कहानी मिस्टर एंड मिसेज माही की लाइफ पर बेस्ट है। कहानी में पिता की दुकान संभालने वाला माही है और दूसरी तरफ इंग्लिश किताबों का शौक रखने वाली माही। दोनों की शादी होती और फिर पता चलता है कि क्रिकेट के शौक के बारे में, लेकिन मेल माही के पिता उसका सपना तोड़ देते हैं। ऐसे में यह जन्म होता है सूर्यवंशी के हीरा ठाकुर का, मतलब राजकुमार का किरदार माही अपनी पत्नी माही को क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट, सस्पेंस और स्पाइल होने थे वे ट्रेलर में ही दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ 3 घंटे थिएटर में बैठा जा सकता है। इस ट्रेलर में जाह्नवी कपूर के लुक और किदर को देखकर आपको वरुण धवन के साथ उनकी फिल्म बवाल का जरूर ख्याल आएगा। वही राजकुमार का किरदार इम्प्रेसिव है। इस रोल के लिए दोनों एक्टर्स ने खूब क्रिकेट खेला है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है जो इससे पहले जाह्नवी के साथ गुंजन सक्सेना बना चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 31 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी क्रिकेट फिल्म से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फिल्म से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपना और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को तो देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इससे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जाह्नवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं कि उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों को पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत ही खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी क्रिकेट फील्ड से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फील्ड से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में है। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है।
सपनों और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इसे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों का पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है, कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ करता नजर आ रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है, वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल्स में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके है। 2021 में आई फिल्म को बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जानवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कहानी 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाई। जानिए जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तस्वीरें पिछले एक साल से खबरों में बनी हुई है। अब मेकर्स ने आज ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो निराश नहीं करेगा। फिल्म के पोस्टर से ये अंदाजा तो लग गया होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन जबरदस्त ट्रेलर देखने के बाद आपका थिएटर जाना पक्का है। इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा और खूब सारा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। मिस्टर एंड मिसेस माही के करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआत जानवी और राजकुमार की मुलाकात और इनकी लव स्टोरी से होती है। दोनों का नाम माही है, इसलिए फिल्म की कहानी मिस्टर एंड मिसेस माही की लाइफ पर बेस्ड है। कहानी में पिता की दुकान संभालने वाला माही है और दूसरी तरफ इंग्लिश किताबों का शौक रखने वाली माही। दोनों की शादी होती और फिर पता चलता है कि क्रिकेट के शौक के बारे में, लेकिन मेल माही के पिता उसका सपना तोड़ देते हैं। ऐसे में यह जन्म होता है सूर्यवंशी के हीरा ठाकुर का, मतलब राजकुमार का किरदार माही अपनी पत्नी माही को क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट, सस्पेंस और स्पाइल होने थे वे ट्रेलर में ही दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ 3 घंटे थिएटर में बैठा जा सकता है। इस ट्रेलर में जानवी कपूर के लुक और किदर को देखकर आपको वरुण धवन के साथ उनकी फिल्म बवाल का जरूर ख्याल आएगा। वही राजकुमार का किरदार इम्प्रेसिव है, इस रोल के लिए दोनों एक्टर्स ने खूब क्रिकेट खेला है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है जो इससे पहले जानवी के साथ गुंजन सक्सेना बना चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 31 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी क्रिकेट फिल्म से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फिल्म से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपना और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को तो देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे है जहाँ सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इससे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं कि उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों को पूरा करने का।
लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ कर रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है, वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और रणबीर कपूर लीड रोल में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत ही खास रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमोद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेज माही 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी, क्रिकेट फील्ड से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म। मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फील्ड से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में है। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपनों और फर्ज के बीच झूंझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इसे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों का पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ करता नजर आ रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है, वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल्स में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जानवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कहानी 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाई। जानिए जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तस्वीरें पिछले एक साल से खबरों में बनी हुई है। अब मेकर्स ने आज ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो निराश नहीं करेगा। फिल्म के पोस्टर से ये अंदाजा तो लग गया होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन जबरदस्त ट्रेलर देखने के बाद आपका थिएटर जाना पक्का है। इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा और खूब सारा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। मिस्टर एंड मिसेस माही के करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआत जानवी और राजकुमार की मुलाकात और इनकी लव स्टोरी से होती है। दोनों का नाम माही है, इसलिए फिल्म की कहानी मिस्टर एंड मिसेज माही की लाइफ पर बेस्ड है। कहानी में पिता की दुकान संभालने वाला माही है और दूसरी तरफ इंग्लिश किताबों का शौक रखने वाली माही। दोनों की शादी होती और फिर पता चलता है कि क्रिकेट के शौक के बारे में, लेकिन मेल माही के पिता उसका सपना तोड़ देते हैं। ऐसे में यह जन्म होता है सूर्यवंशी के हीरा ठाकुर का, मतलब राजकुमार का किरदार। माही अपनी पत्नी माही को क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट, सस्पेंस और स्पाइल होने थे वे ट्रेलर में ही दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ 3 घंटे थिएटर में बैठा जा सकता है। इस ट्रेलर में जानवी कपूर के लुक और किदर को देखकर आपको वरुण धवन के साथ उनकी फिल्म बवाल का जरूर ख्याल आएगा। वही राजकुमार का किरदार इम्प्रेसिव है। इस रोल के लिए दोनों एक्टर्स ने खूब क्रिकेट खेला है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है, जो इससे पहले जानवी के साथ गुंजन सक्सेना बना चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 31 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी, क्रिकेट फिल्म से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म। मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है।
और फिल्म से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपना और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को तो देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इससे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जाह्नवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं कि उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों को पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर लीड रोल में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत ही खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमोद मिश्रा, जरीना बहाब और पूर्णेन्दु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी, क्रिकेट फील्ड से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फील्ड से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में है। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपनों और फर्ज के बीच झूंझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे है जहाँ सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के काम काज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इसे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जाह्नवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों का पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ करता नजर आ रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर लीड रोल्स में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई फिल्म को बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेन्दु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जाह्नवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कहानी 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाई। जानिए जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तस्वीरें पिछले एक साल से खबरों में बनी हुई है। अब मेकर्स ने आज ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो निराश नहीं करेगा। फिल्म के पोस्टर से ये अंदाजा तो लग गया होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन जबरदस्त ट्रेलर देखने के बाद आपका थिएटर जाना पक्का है। इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा और खूब सारा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। मिस्टर एंड मिसेज माही के करीब 3 मिनट के ट्रेलर की शुरुआत जाह्नवी और राजकुमार की मुलाकात और इनकी लव स्टोरी से होती है। दोनों का नाम माही है, इसलिए फिल्म की कहानी मिस्टर एंड मिसेज माही की लाइफ पर बेस्ड है। कहानी में पिता की दुकान संभालने वाला माही है और दूसरी तरफ इंग्लिश किताबों का शौक रखने वाली माही। दोनों की शादी होती और फिर पता चलता है कि
क्रिकेट के शौक के बारे में, लेकिन मेल माही के पिता उसका सपना तोड़ देते हैं। ऐसे में यह जन्म होता है सूर्यवंशी के हीरा ठाकुर का, मतलब राजकुमार का किरदार। माही अपनी पत्नी माही को क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट, सस्पेंस और स्पाइल होने थे वे ट्रेलर में ही दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ 3 घंटे थिएटर में बैठा जा सकता है। इस ट्रेलर में जानवी कपूर के लुक और किदर को देखकर आपको वरुण धवन के साथ उनकी फिल्म बवाल का जरूर ख्याल आएगा। वही राजकुमार का किरदार इम्प्रेसिव है। इस रोल के लिए दोनों एक्टर्स ने खूब क्रिकेट खेला है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है, जो इससे पहले जानवी के साथ गुंजन सक्सेना बना चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 31 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी, क्रिकेट फिल्म से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फिल्म से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपना और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को तो देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इससे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं कि उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों को पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत ही खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमोद मिश्रा, जरीना बहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी, क्रिकेट फील्ड से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फील्ड से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में है। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपनों और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे है जहाँ सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के काम काज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इसे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों का पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ करता नजर आ रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल्स में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों के जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे।
शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। जानवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कहानी 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाई। जानिए जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तस्वीरें पिछले एक साल से खबरों में बनी हुई है। अब मेकर्स ने आज ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो निराश नहीं करेगा। फिल्म के पोस्टर से ये अंदाजा तो लग गया होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन जबरदस्त ट्रेलर देखने के बाद आपका थिएटर जाना पक्का है। इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा और खूब सारा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। मिस्टर एंड मिसेस माही के करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआत जानवी और राजकुमार की मुलाकात और इनकी लव स्टोरी से होती है। दोनों का नाम माही है, इसलिए फिल्म की कहानी मिस्टर एंड मिसेस माही की लाइफ पर बेस्ड है। कहानी में पिता की दुकान संभालने वाला माही है और दूसरी तरफ इंग्लिश किताबों का शौक रखने वाली माही। दोनों की शादी होती और फिर पता चलता है कि क्रिकेट के शौक के बारे में, लेकिन मेल माही के पिता उसका सपना तोड़ देते हैं। ऐसे में यह जन्म होता है सूर्यवंशी के हीरा ठाकुर का, मतलब राजकुमार का किरदार। माही अपनी पत्नी माही को क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट, सस्पेंस और स्पाइल होने थे वे ट्रेलर में ही दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ 3 घंटे थिएटर में बैठा जा सकता है। इस ट्रेलर में जानवी कपूर के लुक और किदर को देखकर आपको वरुण धवन के साथ उनकी फिल्म बवाल का जरूर ख्याल आएगा। वही राजकुमार का किरदार इम्प्रेसिव है। इस रोल के लिए दोनों एक्टर्स ने खूब क्रिकेट खेला है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है जो इससे पहले जानवी के साथ गुंजन सक्सेना बना चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 31 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी क्रिकेट फिल्म से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फिल्म से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपना और फर्श के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को तो देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इससे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं कि उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों को पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत ही खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमोद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी क्रिकेट फील्ड से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फील्ड से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में है। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपनों और फर्ज के बीच झूंझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को देखें तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इसे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है
मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों का पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है, कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ करता नजर आ रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है, वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल्स में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जानवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कहानी 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाई। जानिए जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तस्वीरें पिछले एक साल से खबरों में बनी हुई है। अब मेकर्स ने आज ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो निराश नहीं करेगा। फिल्म के पोस्टर से ये अंदाजा तो लग गया होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन जबरदस्त ट्रेलर देखने के बाद आपका थिएटर जाना पक्का है। इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा और खूब सारा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। मिस्टर एंड मिसेस माही के करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआत जानवी और राजकुमार की मुलाकात और इनकी लव स्टोरी से होती है। दोनों का नाम माही है, इसलिए फिल्म की कहानी मिस्टर एंड मिसेज माही की लाइफ पर बेस्ट है। कहानी में पिता की दुकान संभालने वाला माही है और दूसरी तरफ इंग्लिश किताबों का शौक रखने वाली माही। दोनों की शादी होती और फिर पता चलता है कि क्रिकेट के शौक के बारे में, लेकिन मेल माही के पिता उसका सपना तोड़ देते हैं। ऐसे में यह जन्म होता है सूर्यवंशी के हीरा ठाकुर का, मतलब राजकुमार का किरदार। माही अपनी पत्नी माही को क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट, सस्पेंस और स्पाइल होने थे वे ट्रेलर में ही दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ 3 घंटे थिएटर में बैठा जा सकता है। इस ट्रेलर में जानवी कपूर के लुक और किदर को देखकर आपको वरुण धवन के साथ उनकी फिल्म बवाल का जरूर ख्याल आएगा। वही राजकुमार का किरदार इम्प्रेसिव है, इस रोल के लिए दोनों एक्टर्स ने खूब क्रिकेट खेला है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है, जो इससे पहले जानवी के साथ गुंजन सक्सेना बना चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 31 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी क्रिकेट फिल्म से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फिल्म से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपना और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को तो देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इससे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं कि उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों को पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है, कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ कर रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है, वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं।
फिल्म में राजकुमार राव और रणबीर कपूर लीड रोल में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत ही खास रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमोद मिश्रा, जरीना बहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेज माही 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी, क्रिकेट फील्ड से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म। मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फील्ड से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में है। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपनों और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इसे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों का पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ करता नजर आ रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है, वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल्स में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई फिल्म को बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जानवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कहानी 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाई। जानिए जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तस्वीरें पिछले एक साल से खबरों में बनी हुई है। अब मेकर्स ने आज ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो निराश नहीं करेगा। फिल्म के पोस्टर से ये अंदाजा तो लग गया होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन जबरदस्त ट्रेलर देखने के बाद आपका थिएटर जाना पक्का है। इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा और खूब सारा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। मिस्टर एंड मिसेस माही के करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआत जानवी और राजकुमार की मुलाकात और इनकी लव स्टोरी से होती है। दोनों का नाम माही है, इसलिए फिल्म की कहानी मिस्टर एंड मिसेस माही की लाइफ पर बेस्ड है। कहानी में पिता की दुकान संभालने वाला माही है और दूसरी तरफ इंग्लिश किताबों का शौक रखने वाली माही। दोनों की शादी होती और फिर पता चलता है कि क्रिकेट के शौक के बारे में, लेकिन मेल माही के पिता उसका सपना तोड़ देते हैं। ऐसे में यह जन्म होता है सूर्यवंशी के हीरा ठाकुर का, मतलब राजकुमार का किरदार। माही अपनी पत्नी माही को क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट, सस्पेंस और स्पाइल होने थे वे ट्रेलर में ही दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ 3 घंटे थिएटर में बैठा जा सकता है। इस ट्रेलर में जानवी कपूर के लुक और किदर को देखकर आपको वरुण धवन के साथ उनकी फिल्म बवाल का जरूर ख्याल आएगा। वही राजकुमार का किरदार इम्प्रेसिव है। इस रोल के लिए दोनों एक्टर्स ने खूब क्रिकेट खेला है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है, जो इससे पहले जानवी के साथ गुंजन सक्सेना बना चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 31 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी, क्रिकेट फिल्म से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म। मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फिल्म से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपना और फर्ज के बीच
जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को तो देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इससे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं कि उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों को पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत ही खास रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमोद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेज माही 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी, क्रिकेट फील्ड से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फील्ड से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में है। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपनों और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहाँ सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इसे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों का पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ करता नजर आ रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल्स में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत खास रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जानवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कहानी 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाई। जानिए जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तस्वीरें पिछले एक साल से खबरों में बनी हुई है। अब मेकर्स ने आज ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो निराश नहीं करेगा। फिल्म के पोस्टर से ये अंदाजा तो लग गया होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन जबरदस्त ट्रेलर देखने के बाद आपका थिएटर जाना पक्का है। इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा और खूब सारा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। मिस्टर एंड मिसेज माही के करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआत जानवी और राजकुमार की मुलाकात और इनकी लव स्टोरी से होती है। दोनों का नाम माही है, इसलिए फिल्म की कहानी मिस्टर एंड मिसेज माही की लाइफ पर बेस्ड है। कहानी में पिता की दुकान संभालने वाला माही है और दूसरी तरफ इंग्लिश किताबों का शौक रखने वाली माही। दोनों की शादी होती और फिर पता चलता है कि क्रिकेट के शौक के बारे में, लेकिन मेल माही के पिता उसका सपना तोड़ देते हैं। ऐसे में यह जन्म होता है सूर्यवंशी के हीरा ठाकुर का, मतलब राजकुमार का किरदार। माही अपनी पत्नी माही को क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है।
फिल्म में जितने भी ट्विस्ट, सस्पेंस और स्पाइल होने थे वे ट्रेलर में ही दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ 3 घंटे थिएटर में बैठा जा सकता है। इस ट्रेलर में जानवी कपूर के लुक और किधर को देखकर आपको वरुण धवन के साथ उनकी फिल्म बवाल का जरूर ख्याल आएगा। वही राजकुमार का किरदार इम्प्रेसिव है। इस रोल के लिए दोनों एक्टर्स ने खूब क्रिकेट खेला है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है, जो इससे पहले जानवी के साथ गुंजन सक्सेना बना चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 31 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी क्रिकेट फिल्म से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फिल्म से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपना और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को तो देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इससे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं कि उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों को पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत ही खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमोद मिश्रा, जरीना बहाब और पूर्णेन्दु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी क्रिकेट फील्ड से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फील्ड से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में है। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपनों और फर्ज के बीच झूंझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे है जहाँ सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के काम काज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इसे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों का पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ करता नजर आ रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल्स में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई फिल्म को बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेन्दु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जानवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कहानी 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाई जानिए।
जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तस्वीरें पिछले एक साल से खबरों में बनी हुई है। अब मेकर्स ने आज ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो निराश नहीं करेगा। फिल्म के पोस्टर से ये अंदाजा तो लग गया होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन जबरदस्त ट्रेलर देखने के बाद आपका थिएटर जाना पक्का है। इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा और खूब सारा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। मिस्टर एंड मिसेज माही के करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआत जानवी और राजकुमार की मुलाकात और इनकी लव स्टोरी से होती है। दोनों का नाम माही है, इसलिए फिल्म की कहानी मिस्टर एंड मिसेज माही की लाइफ पर बेस्ड है। कहानी में पिता की दुकान संभालने वाला माही है और दूसरी तरफ इंग्लिश किताबों का शौक रखने वाली माही। दोनों की शादी होती और फिर पता चलता है कि क्रिकेट के शौक के बारे में, लेकिन मेल माही के पिता उसका सपना तोड़ देते हैं। ऐसे में यह जन्म होता है सूर्यवंशी के हीरा ठाकुर का, मतलब राजकुमार का किरदार। माही अपनी पत्नी माही को क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट, सस्पेंस और स्पाइल होने थे वे ट्रेलर में ही दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ 3 घंटे थिएटर में बैठा जा सकता है। इस ट्रेलर में जानवी कपूर के लुक और किदर को देखकर आपको वरुण धवन के साथ उनकी फिल्म बवाल का जरूर ख्याल आएगा। वही राजकुमार का किरदार इम्प्रेसिव है। इस रोल के लिए दोनों एक्टर्स ने खूब क्रिकेट खेला है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है, जो इससे पहले जानवी के साथ गुंजन सक्सेना बना चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 31 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी क्रिकेट फिल्म से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फिल्म से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपना और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को तो देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इससे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं कि उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों को पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत ही खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमोद मिश्रा, जरीना बहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेज माही 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी क्रिकेट फील्ड से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फील्ड से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में है। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपनों और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे है जहाँ सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के काम काज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इसे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव
जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों का पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है, कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ करता नजर आ रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है, वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर लीड रोल्स में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों के जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जाह्नवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कहानी 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाई। जानिए जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तस्वीरें पिछले एक साल से खबरों में बनी हुई है। अब मेकर्स ने आज ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है जो निराश नहीं करेगा। फिल्म के पोस्टर से ये अंदाजा तो लग गया होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन जबरदस्त ट्रेलर देखने के बाद आपका थिएटर जाना पक्का है। इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा और खूब सारा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। मिस्टर एंड मिसेस माही के करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआत जाह्नवी और राजकुमार की मुलाकात और इनकी लव स्टोरी से होती है। दोनों का नाम माही है, इसलिए फिल्म की कहानी मिस्टर एंड मिसेस माही की लाइफ पर बेस्ड है। कहानी में पिता की दुकान संभालने वाला माही है और दूसरी तरफ इंग्लिश किताबों का शौक रखने वाली माही। दोनों की शादी होती और फिर पता चलता है कि क्रिकेट के शौक के बारे में, लेकिन मेल माही के पिता उसका सपना तोड़ देते हैं। ऐसे में यह जन्म होता है सूर्यवंशी के हीरा ठाकुर का, मतलब राजकुमार का किरदार। माही अपनी पत्नी माही को क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट, सस्पेंस और स्पाइल होने थे वे ट्रेलर में ही दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ 3 घंटे थिएटर में बैठा जा सकता है। इस ट्रेलर में जाह्नवी कपूर के लुक और किधर को देखकर आपको वरुण धवन के साथ उनकी फिल्म बवाल का जरूर ख्याल आएगा। वही राजकुमार का किरदार इम्प्रेसिव है। इस रोल के लिए दोनों एक्टर्स ने खूब क्रिकेट खेला है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है जो इससे पहले जाह्नवी के साथ गुंजन सक्सेना बना चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 31 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी क्रिकेट फिल्म से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फिल्म से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में हैं। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपना और फर्श के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को तो देखे तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे है जहाँ सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इससे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जाह्नवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं कि उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों को पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है, कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ कर रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर लीड रोल में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई इस फिल्म को बहुत ही खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और
पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेज माही 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पत्नी से प्यार सपनों की उड़ान या सीढ़ी, क्रिकेट फील्ड से दिलचस्प कहानी कहता है ट्रेलर। इंतजार खत्म, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और फील्ड से क्रिकेट रोमांच और रोमांस दोनों की झलक दिखा रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में है। दोनों की जोड़ी एकदम फ्रेश और काफी क्यूट लग रही है। सपनों और फर्ज के बीच जूझते हीरो की कहानी तो पहले भी फिल्मों में कई बार कही गई है, लेकिन उन सपनों को अपनी पत्नी के जरिए पूरा करने की कहानी थोड़ी नई सी लगती है। ट्रेलर को देखें तो राजकुमार राव एक ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां सपनों को पूरा करने से ज्यादा परिवार के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। पिता के कहने पर वो इसे समझौता कर भी लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है मिसेस माही यानी जानवी कपूर की, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन बाद में शुरू होता है तनाव जब बढ़ता है सपनों की जिम्मेदारी का बोझ। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल चुकी पत्नी के बैटिंग के अंदाज को देख मिस्टर माही फैसला लेते हैं उन्हें कोच करने का, वही इसके जरिए अपने दम तोड़ते सपनों का पूरा करने का। लेकिन इस बीच मुश्किल बनता है समाज, परिवार, सोच और आपस का प्यार। ट्रेलर तो फैंस का दिल जीत रहा है। कमेंट्स में हर कोई जोड़ी से लेकर कहानी की तारीफ करता नजर आ रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसा ट्रेलर में इमोशंस का रोलर कोस्टर दिखाया गया है, वो फिल्म में भी देखने को मिलेगा या नहीं। फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल्स में है। दोनों इससे पहले फिल्म रूही में नजर आ चुके हैं। 2021 में आई फिल्म को बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। इनके अलावा फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब और पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जानवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म की कहानी 3 मिनट के ट्रेलर में दिखाई। जानिए जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तस्वीरें पिछले एक साल से खबरों में बनी हुई है। अब मेकर्स ने आज ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो निराश नहीं करेगा। फिल्म के पोस्टर से ये अंदाजा तो लग गया होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन जबरदस्त ट्रेलर देखने के बाद आपका थिएटर जाना पक्का है। इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा और खूब सारा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। मिस्टर एंड मिसेज माही के करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआत जानवी और राजकुमार की मुलाकात और इनकी लव स्टोरी से होती है। दोनों का नाम माही है, इसलिए फिल्म की कहानी मिस्टर एंड मिसेज माही की लाइफ पर बेस्ट है। कहानी में पिता की दुकान संभालने वाला माही है और दूसरी तरफ इंग्लिश किताबों का शौक रखने वाली माही। दोनों की शादी होती और फिर पता चलता है कि क्रिकेट के शौक के बारे में, लेकिन मेल माही के पिता उसका सपना तोड़ देते हैं। ऐसे में यह जन्म होता है सूर्यवंशी के हीरा ठाकुर का, मतलब राजकुमार का किरदार माही अपनी पत्नी माही को क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है। फिल्म में जितने भी ट्विस्ट, सस्पेंस और स्पाइल होने थे वे ट्रेलर में ही दिखा दिए गए हैं। अब सिर्फ 3 घंटे थिएटर में बैठा जा सकता है। इस ट्रेलर में जानवी कपूर के लुक और किदर को देखकर आपको वरुण धवन के साथ उनकी फिल्म बवाल का जरूर ख्याल आएगा। वही राजकुमार का किरदार इम्प्रेसिव है। इस रोल के लिए दोनों एक्टर्स ने खूब क्रिकेट खेला है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है, जो इससे पहले जानवी के साथ गुंजन सक्सेना बना चुके हैं। करण जौहर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 31 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है।